नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। 15 अगस्त आने वाला है, ऐसे में आतंकवादी गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। चारों तरफ सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। ऐसे में लगातार आतंकवादियों द्वारा धमकी दी जा रही है कि कभी वो भीड़ वाले इलाके में बम ब्लास्ट कर देंगे तो कभी मंदिर को उड़ा देंगे। अभी बीते दिनों लखनऊ से एक खबर सामने आई थी जिसमें धमकी दिया गया था कि हनुमान मंदिर और RSS कार्यालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। ऐसे में सभी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई और जिसने धमकी दी थी उसे ढूंढने में लग गई। जी हाँ, राजधानी लखनऊ के बड़े हनुमान मंदिर और मानकेश्वर मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी शफीब को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी शफीब मूल रूप से दिल्ली के सीलमपुर का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से कई संदिग्ध किताबें और दस्तावेज भी बरामद किए हैं। SP अलीगंज अखिलेश सिंह के मुताबिक 29 जुलाई को अलीगंज स्थित नए बड़े हनुमान मंदिर के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा एक चिट्ठी आई जिसमें शहर के कई बड़े मंदिरों और RSS कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस मामले में मंदिर प्रबंधन ने संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध नीलाबाज चौधरी से इसकी शिकायत की। SP ने तत्काल इस मामले को जांच क्राइम ब्रांच और अलीगंज पुलिस को सौंप दी। बुधवार देर रात को अलीगंज पुलिस ने आरोपी को पुरनिया पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। वहीं अलीगंज इलाके में किराए के मकान पर रहता था। प्रभारी निरीक्षक अलीगंज पन्नेलाल यादव के मुताबिक चिट्ठी त्रिवेणी नगर उप डाक घर से भेजी गई थी जिस पर पुलिस टीम ने आसपास के CCTV फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया, जिसके बाद संदिग्ध गतिविधि के आधार पर पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की। बुधवार रात शफीब दबोचा गया। आपको बता दें, शफीब ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की लेकिन उसके घर में खाना बनाने वाले युवक ने CCTV फुटेज देखने के बाद उल्टे शफीब को फटकार लगानी शुरू कर दी। पुष्टि होने के बाद पुलिस ने घर की तलाशी ली जहां से कई संदिग्ध दस्तावेज और किताबें मिले हैं। पुलिस शफीब के नेटवर्क को खंगाल रही है। प्रभारी निरीक्षक पन्नेलाल ने बताया कि शफीब अलीगंज से पहले खादरा इलाके में मक्का के रहता था। आज भी वहां उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं। पुलिस के मुताबिक शफीब और उसकी पत्नी के बीच तलाक का मुकदमा चल रहा है। तलाक होने के बाद शफीब खादरा से अलीगंज में आकर फ्लैट लेकर किराए पर रहने लगा। वहीं सूत्रों से यह भी पता लगा है कि शफीब ऐसे काम करता था, अपने फ्लैट से धमकी देना, लेटर देके कभी धमकी देना, लेकिन वे रसब राज उसका खुल गया। अब भाई यूपी पुलिस से पंगा लेगा तो ऐसा ही होगा। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें VK न्यूज़।